हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपनी अपनी सोच में। मैं आज जिस मुद्दे पर अपना विचार रखने वाला हूं वो है रेप केस यानी बलात्कार। मैं हर शनिवार को समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपना विचार इस वीडियो के माध्यम से रखता हूं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए जा रहे लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी हाल में ही हुए कठुआ गैंग रेप के बारे में तो सभी ने सुना है, लेकिन क्या सिर्फ ऐसे एक दो केस ही होते हैं भारत में? जी नहीं, यदि ऐसे एक दो केस भी होते हैं भारत में तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सोच का विषय है। पर ऐसे एक दो केसेस नहीं होते हैं। यदि हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो एक साल यानी 2016 में टोटल 39,000 के लगभग केस दर्ज हुए थे। यानी यदि हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में कम से कम 4 रेप केसेस दर्ज होते हैं। पर यह आंकड़ा तो सिर्फ इतना बताता है कि इतने केस दर्ज हुए थे, पर कई ऐसे केसेस हैं जिस पर ना ही तो किसी की नजर गई है ना ही इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें से ज्यादातर रेप केसेस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। जहां हमारे समाज में लड़कियों को देवी का रूप समझा जाता है, घर में लड़की को लक्ष्मी के समान समझा जाता है, उसी देश में कुछ दरिंदों की वजह से समाज को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। पर बात अब यह आती है कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है, क्यों समाज में इस तरह की घटनाएं होती है और इतनी ज्यादा मात्रा में होती है? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम और हमारा समाज ही है। आजकल की यदि हकीकत को देखा जाए तो हर कोई इसे अपने तरीके से अलग अलग दिशा देने में लगा हुआ रहता है। राजनीतिक दल, धर्म और जाति के दलाल इसे अपने अपने हथियार के रूप में यूज करते हैं। वे ये नहीं सोचते कि ये कितनी शर्मनाक बात है। यदि समाज में कोई ऐसा केस आता है तो लोग इस चीज में अपनी दिलचस्पी नहीं लेते कि वो कौन था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और ऐसा रोका कैसे जा सकता है, बल्कि उनकी दिलचस्पी इस चीज में होती है कि वो किस जाति से है, किस धर्म से है, कहीं रेप करने वाला ऊंची जाति का तो नहीं, कहीं दोषी का धर्म अलग तो नहीं है। ऐसे सवालों पर पहले हमारा ध्यान जाता है, पर क्या यह सही है? हमें हर चीज को राजनीतिक और धार्मिक नजर से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई दोषी है तो उसका कोई धर्म नहीं होगा, अन्यथा वो कभी ऐसा अमानवीय कार्य करता ही नहीं, वो हमारे समाज के लिए बस एक कलंक है और कुछ नहीं। इसके लिए हम सभी को एक साथ जागरूक होकर काम करना होगा। जनरली हम लोग इस तरह की घटनाओं से डर कर लड़कियों पर लगातार रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कभी उनके पहनावे पर प्रश्न करते हैं तो कभी उनके रहन सहन पर। पर क्या उन्हें अपने अनुसार जीने का हक नहीं है? उन्हें भी अपने अनुसार जीने का पूरा हक है। हमें जरूरत है तो अपने समाज के संस्कारों को बदलने की। हमने कभी अपने घर के लड़कों को यह नहीं कहा कि यदि रास्ते में कोई लड़की अकेली मिले तो उसे उसके घर तक सही सलामत पहुंचा दो, बल्कि हम हमेशा ये जरूर कहते हैं कि कहीं यदि रास्ते में 4 लड़के किसी लड़की को छेड़ रहे होते हैं तो हमें उसे बचाने के बजाय हम वहां से निकलना बेहतर समझते हैं और कहते हैं ये हमारे घर का मामला नहीं है। माना ये आपके घर का मामला नहीं है, पर एक समाज का मामला है। मानवता के नाते उस समय उस लड़की की मदद करने का धर्म था आपका, पर आपने नहीं किया, जो इस तरह की दरिंदगी को बढ़ावा देता है। कुछ लोग तो इतने बेशर्म होते हैं कि वे ऐसी घटनाओं के पिक्चर्स और वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जैसे पता नहीं उन्हें इससे क्या मिलता है। ऐसी अमानवीय घटनाओं के प्रति सभी को राजनीतिक, धार्मिक और जातीय बातों से ऊपर उठकर सोचना होगा और समाज के विभिन्न छोटे छोटे
ऐसे घटने पर हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी, उसे रोकने का प्रयास करना होगा, तभी जाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। ये कुछ विचार मेरी ओर से थे, अब आपके क्या विचार है हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए जा रहे सर्कल पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।